हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत। और जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत ध्यान से इसे हमें समझना है। और जॉन रोल्स ने इस सिद्धांत में क्या क्या बातें कही हैं, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले तो हमें ये जानना है कि जॉन रोल्स एक राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने राजनीति की अवधारणा दी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा कौन सी है? इनका न्याय का सिद्धांत। जॉन रोल्स ने क्या दिया? न्याय का, जस्टिस थ्योरी दी। अब ये क्या देते हैं और इनका सिद्धांत इतना फेमस क्यों हो गया, ये बातें हमें यहां देखनी है। पहला, अपने लिए सब अच्छा सोचते हैं चुनेंगे। ये कहते हैं कि यदि सभी को नियम बनाने का सिस्टम दे दिया जाए, सभी को नियम बनाने का ऑफर दे दिया जाए कि हर कोई अपने लिए क्या बना सकता है, नियम बना सकता है, जैसा चाहे आप बना सकते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचेगा, इससे पहले स्वयं के बारे में सोचेगा, फिर परिवार के बारे में सोचेगा, फिर रिश्तेदारों के बारे में सोचेगा, फिर जाति के बारे में सोचेगा, और फिर समाज और देश के बारे में। यही क्रम आने वाला है। यदि किसी व्यक्ति को पावर दे दी जाए, यदि किसी व्यक्ति को कोई लालच दे दिया जाए, सुप्रीमो बना दिया जाए, देश का मॉनिटर बना दिया जाए, प्रधान बना दिया जाए, तो यही क्रम आने वाला है। सबसे पहले वो किसके बारे में सोचेगा? खुद के बारे में सोचेगा। फिर उसके बाद किसके बारे में सोचेगा? परिवार के बारे में सोचेगा, फिर रिश्तेदारों की, फिर जाति, और फिर अगर कोई बसता है तो समाज के बारे में सोचेगा। अदरवाइज समाज के बारे में सोचने का तो चांस ही नहीं बनता है। तो यहां से ये हम क्रम देख सकते हैं और इस क्रम से हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति को ज्यादा स्वतंत्रता यदि मिल जाती है या व्यक्ति को नियम बनाने की बात कही जाती है, तो व्यक्ति इस क्रम को कहीं ना कहीं अपना लेता है जो समाज के लिए सही नहीं है। इसमें देखा जाए तो केवल और केवल वो किसके बारे में सोच रहा है? स्वयं के बारे में सोच रहा है। तो ऐसे ही नियम समाज हित में नहीं हो सकते जिसमें सोचा किसके बारे में जा रहा है, केवल और केवल स्वयं के बारे में ही सोचा जा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो सबके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि नियम कानून कैसे होने चाहिए? सार्वभौमिक होने चाहिए। नियम कानून कैसे होने चाहिए? सार्वभौमिक होने चाहिए। इसका मतलब सभी के लिए उचित विधिक समान होने चाहिए। विधि सबके लिए है, समाज सबके लिए है, हर जाति, वर्ग, संप्रदाय सभी बहुत आसानी से यहाँ रह सके, ऐसे नियम होने चाहिए। लेकिन इसमें यदि रोल्स की बात सुने तो रोल्स कहते हैं कि व्यक्ति को यदि अधिकार दे दिया जाए कि वो जैसा चाहे नियम बना ले या उसे सुप्रीमो बना दिया जाए, तो इस प्रकार के कार्य करेगा कि वो खुद के लिए नियम बनाएगा जो वो चाहता है। जैसे एक शराबी की बात करें, एक व्यापारी की बात करें, एक डॉक्टर की बात करें, एक टीचर की बात करें, तो ये ऐसे नियम बनाएगा जिसमें शराब पीने वालों को आजादी हो और शराब से ज्यादा मुक्ति मिल सके या शराब पर ज्यादा छूट मिल सके। व्यापारी व्यक्ति कैसे नियम बनाएगा ताकि व्यापार करने में आसानी हो, टैक्स कम दिया जा सके और व्यापार पे सरकार का नियंत्रण क्या हो? कम, मुनाफा कमाया जा सके ज्यादा। डॉक्टर कैसे नियम बनाएगा? डॉक्टरों को सहूलियत के नियम बनाएगा, ऐसे सिस्टम को डेवलप करेगा जिससे बेनिफिट हॉस्पिटल और डॉक्टरों को हो। टीचर कैसे नियम बनाएगा ताकि शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके और इसका व्यवसायीकरण किया जा सके, कुल मिला के कहा जा सके तो पैसा कमाने के सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। ये जॉन रोल्स पहली बात कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अपने लिए सिद्धांत बनाने की बात की जाए, समाज के लिए सिद्धांत बनाने की बात की जाए, तो
वो ऐसे सिस्टम को डेवलप कर देगा जिससे केवल और केवल उसी का फायदा नजर आएगा। इसमें हम सेकंड ऑप्शन देखें तो ये है न्याय संगत रास्ता, यही जॉन रॉल्स का सिद्धांत भी क्लियर कर देता है। अगर हम जॉन रॉल्स के सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत यही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। जॉन रोल्स कहते हैं नियम बनाने की एकमात्र रास्ता है और एकमात्र शर्त है। क्या शर्त है? कि वो कहते हैं माना आपका जन्म नहीं हुआ है, माना आपका जन्म नहीं हुआ है और आप कहाँ हैं, इस दुनिया में है ही नहीं, आपका जन्म अभी हुआ नहीं, होने वाला है। अब आपको क्या बनाने हैं? नियम बनाने हैं। नियम किसके लिए बनाने हैं? समाज के सभी लोगों के लिए, वर्गों के लिए, वर्णों के लिए, यानी कि ऑल ओवर पीपल्स के लिए ये आपके नियम बनाने हैं। कंडीशन समझ में आई? नियम जॉन रॉल्स का सिद्धांत क्या है कि आपको क्या बनाना है? सिस्टम बनाना है, रूल रेगुलेशन बनाने हैं, नियम बनाने हैं। और नियम बनाने में शर्त क्या रख दी? कि आपका जन्म अभी नहीं हुआ है। मान लीजिए आपके इस समाज में 100 तरीके के वर्ग हैं, 100 तरीके की जातियां हैं, 100 तरीके के लोग हैं। अब इन 100 के लिए ही आपको नियम बनाने हैं और इस 100 लोगों में से 4 जातियां हम कर दे, 3 जातियां कर देते हैं, उच्च, मध्यम और निम्न। इन तीनों के लिए आपको क्या बनाने हैं? नियम बनाने हैं। आपका जन्म अभी नहीं हुआ है, नियम आपको बनाने हैं और समाज में एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा, सबके लिए नियम बनाने हैं, चाहे वो उच्चे हो, चाहे वो मध्यम हो, चाहे वो निम्न हो। हमने जाति ना लेकर कैटेगरी ले ली। अब आप नियम बनाए, यदि आपने समान नियम नहीं बनाए तो आपको ये नहीं पता कि आपका जन्म किस में होने वाला है। यदि आपने निम्न के लिए कमजोर नियम बना लिए, इसके लिए बहुत अच्छे नियम बना लिए और इसके लिए क्या बना लिए? मध्यम नियम बना लिए, और आपका जन्म ही कहाँ हो गया? कमजोर में। तो आपके नसीब में तो समस्या ही लिखी गई है और वो लिखने वाले कौन है? आप खुद ही हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अगर नियम बनाएगा तो वो कैसा बनाएगा? समान नियम बनाएगा। क्या बनाएगा? समान नियम बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि उसे खुद को ही नहीं पता कि वो कौन से वर्ग में जाने वाला है। भेदभाव यहां हो जाएगा समाप्त। और यही क्या है? जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत है। बहुत शानदार नियम इन्होंने बनाया है कि आपको ये नहीं पता कि आपका अवतरण जन्म किस वर्ग में, किस जाति में, किस संप्रदाय में, किस घर में होने वाला है। और समाज में 10 घर हैं, 100 घर हैं, तो 100 घरों के लिए अब आप नियम बना दीजिए। आपको खुद को ही नहीं पता कि आप कौन से घर में जाने वाले हैं। यदि आपने किसी के साथ भेदभाव किया, किसी को बहुत अच्छे नियम दे दिए, किसी को बहुत कमजोर नियम दे दिए और कमजोर वाले में आप चले गए, तो स्थिति हो जाएगी आपकी खराब। ऐसी स्थिति में सब लोग समान नियम बनाने पर भरोसा करेंगे क्योंकि उनको खुद को भी नहीं पता कि उनका अवतरण कौन से परिवार में, कौन से कुल में, कौन सी जाति में होने वाला है। यही क्या है? जॉन रोल्स का नियम है। जॉन रोल्स ने कहा कि अब व्यक्ति यदि नियम बनाए तो वही क्या है? न्याय है। अब वो अन्याय नहीं करेगा क्योंकि उसके पास चॉइस ही नहीं है। वो जानता ही नहीं है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कौन सी जाति होगी, कौन सा वर्ग होगा, कौन सा वर्ण होगा, कौन सा संप्रदाय होगा, कौन सी भाषा होगी और कहाँ रहने वाला हूँ, ये उसे खुद को भी नहीं पता। ऐसी स्थिति में नियम बनाने चाहिए और ऐसी स्थिति में जो नियम बनेंगे वो क्या है? न्याय है। तो जो रोल्स का न्याय का सिद्धांत फिर से देखते हैं। रोल्स क्या कहते हैं कि
कि आपका जन्म अभी नहीं हुआ है, नियम बनाने की शर्तें रखते हैं कि आपका जन्म अभी नहीं हुआ है और अब आपको क्या बनाने हैं, नियम बनाने हैं। तो अब जब जन्म हुआ ही नहीं तो आप कैटेगरी नहीं समझते, आपको ये नहीं पता कि समाज में कौन से जगह जाना है। अभी सभी लोगों के लिए आपको नियम बनाने हैं तो समान नियम बनाएंगे आप, क्योंकि ये रिस्क तो कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं इस वर्ग में भी आ जाए, चांसेस हो सकते हैं इस वर्ग में भी आ जाए, चांसेस हो सकते हैं इस वर्ग में भी आ जाए, और अगर इसमें यदि आ गया तो जिंदगी भर कोसता ही फिर रहेगा। ऐसे में जो नियम बनेंगे वो कैसे बनेंगे, समान बनेंगे, भेदभाव रहित बनेंगे, उचित विधिक समानता आधारित बनेंगे, सार्वभौमिक न्याय आधारित बनेंगे और फंडामेंटल राइट्स की बात की जा सकती है, समाज में उचित प्रतिनिधित्व की बात की जा सकती है, भेदभाव रहित विकास की बात की जा सकती है, समान शिक्षा की बात की जा सकती है, और यही क्या है, जॉन रोल्स के न्याय का सिद्धांत का बेस है। इसमें आगे जॉन रोल्स कहते हैं, वो कहते हैं अज्ञानता का आवरण, इसमें इन्होंने क्या कहा है आगे, अज्ञानता के आवरण की बात कही है। ये अज्ञानता का आवरण क्या है ये भी हम जानते हैं। जॉन रोल्स कहते हैं कि ज्ञात व्यक्ति या ज्ञानता, ज्ञानता का मतलब होता है जानना, या यूं कहें पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, हमारी कक्षा में 40 बच्चे हैं, हमारी कक्षा में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, और किसी बच्चे ने विद्यालय टेबल को तोड़ दिया, विद्यालय टेबल को तोड़ दिया। अब हमारी क्लास में दो बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा क्या करते हैं, पिटाई खाते हैं, डांट खाते हैं, यानी कि शरारती तत्व हैं, यानी कि कहीं ना कहीं समस्यात्मक बच्चे हैं, और हम जानते हैं समस्यात्मक बच्चे हमेशा ही धीरे धीरे समस्याओं में इन्वॉल्वमेंट होते जाते हैं, इन्हें सुधारने के प्रयास करने चाहिए। उदाहरण क्या है, कक्षा में 40 बच्चे हैं, किसी ने टेबल तोड़ दी, हमें पता नहीं है किसने तोड़ी, लेकिन दो बच्चे ऐसे हैं जो हर समस्या में उनका नाम आता है, तो सर आएंगे और आते ही सबसे पहले किनको खड़ा करने वाले हैं, इन दो को ही खड़ा करने वाले हैं। कारण क्या है, पूर्वाग्रह है, क्योंकि टीचर को पहले से पता है कि क्लास में यदि कोई शरारत हुई है तो कंटिन्यूअसली ये दो ही बच्चे करते हैं, तो आज भी इन्होंने ही किया होगा, इसे कहते हैं पूर्वाग्रह। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेरिट का बच्चा है, आया किसमें है, वो मेरिट में आया है, टॉप किया उसने और बहुत अच्छा स्कोर उसने किया, लेकिन अब जब भी उसकी कॉपी चेक होगी तो टीचर क्या रखेगा, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा। क्यों रखेगा, क्योंकि टीचर को भी ये पता है कि अगर उसे नाम पता लग गया कि ये उस व्यक्ति की कॉपी है, क्लास टेस्ट में सामने बैठा हुआ है और बच्चा लेके आएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी कॉपी चेक करने में सॉफ्टनेस रखेगा, इतनी हार्ड मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि बच्चा कैसा है, मेरिट में आया हुआ है, ये क्या है, पूर्वाग्रह है। इसीलिए आपसे सिर्फ रोल नंबर लिखवाए जाते हैं ताकि पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, रिजल्ट्स प्रभावित ना हो, ओरिजिनल रिजल्ट्स निकल कर आए। इसी कारण आपने देखा होगा टॉपर्स बच्चों के भी कई बार नंबर कम आ जाते हैं, यदि पढ़ाई नहीं की तो कम नंबर आना लाजमी ही है। ये दोनों चीजें किससे संबंधित हो सकती हैं, पूर्वाग्रह से संबंधित हो सकती हैं। इसीलिए ये सिद्धांत दिया गया है कि अज्ञानता पूर्वाग्रह को हटा देती है, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं कि आगे वाला क्या है, क्या सिस्टम है, परिवार कैसे होंगे, समाज कैसा होगा, कहाँ हमारा अवतरण होने वाला है, जन्म होने वाला है, डिलीवरी होने वाली है, हमें नहीं पता, इसीलिए इस सिस्टम को हटा दिया जाता है और
जो नियम बनेंगे वो कैसे बनेंगे, फिर ज्यादा अच्छे बनेंगे। और इसकी जगह ज्ञानता का मतलब जानकारी, जानता का मतलब तो हम जानते ही हैं कि हमें किसी भी बात का पता है ही नहीं, इसीलिए जो अज्ञानता का आवरण है वो हमारे नियमों को इस प्रकार डेवलप करने में मदद करता है ताकि हम बहुत आसानी से बिना भेदभाव के समानता को ध्यान में रखकर क्या बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, सिस्टम बना सकते हैं। उस नियम और सिस्टम का हमें सबसे अच्छा फायदा ये होगा कि भेदभाव रहित, पूर्वाग्रह रहित हम बहुत आसानी से सिस्टम को डेवलप कर पाएंगे और वो सिस्टम समाज के हित में ही होने वाला है। यदि ऐसा कहा जाए कि आपको पहले से नॉलेज है और नियम बनाने हैं तो समाज हित नजर आने लगता है, रिश्तेदार खुद के लिए हित नजर आने लगता है और ऐसे में कार्य संभव नहीं होना चाहिए, या लाभकारी या किसी को हित पहुंचाने की गतिविधियां हो सकती है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत हम पढ़ रहे थे और इन्होंने कहा यदि चुनने का ऑप्शन दे दिया जाए तो सब बेस्ट से बेस्ट ही चुनेंगे, कोई अपने लिए खराब नहीं चुनने वाला है, किसी भी प्रकार से नहीं चुनेगा क्योंकि उसके हाथ में पावर है और वो हर हाल में अच्छे से अच्छा चुनना चाहता है। फिर उन्होंने कहा न्याय संगत रास्ता, इन्होंने कहा कि आपका जन्म अभी नहीं हुआ है, आप इस दुनिया में नहीं आए हैं, अब आपको नियम बनाने हैं और आपको ये भी नहीं पता कि आपका जन्म कौन से घर में होना है, दलित के होना है, मध्यम में होना है, उच्च जाति में होना है, आपको नहीं पता, अब नियम बनाए। अगर आपने भेदभाव कर दिया और आपको निम्न जाति में जन्म मिला तो आप जिंदगी भर कोसते रहेंगे, इसीलिए ऐसी स्थिति में जो नियम बनेंगे वो शुद्ध न्याय है। फिर कहा अज्ञानता के आवरण, अज्ञानता के आवरण में इन्होंने कहा कि व्यक्ति के लिए अज्ञानता में नियम बनाना ज्यादा अच्छा है क्योंकि ज्ञानता में तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है और पूर्वाग्रह समाज के लिए अच्छा नहीं है। आपको जब भी नियम बनाने हैं अज्ञानता के आधार पर बनाने हैं, किसी की जानकारी नहीं है, सब समाज आपका ही आपका है।